भाजपा ने प्रधानमंत्री पर अमेरिकी दबाव में एफडीआई का फैसला लेने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज, कहा प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च हित में उठाए हैं कदम। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उर्वरक मंत्रालय से बंद और नाजुक स्थिति वाले यूरिया कारखानों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में यूरिया विनिवेश नीति पर भी प्रस्ताव गया है मांगा। कर्नाटक सरकार ने प्रधानमंत्री से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने के कावेरी नदी प्राधिकरण के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध का किया है फैसला। असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी का स्तर गिरने के बाद पिछले दो दिनों में करीब 1 लाख लोग अपने घरों को लौटे। पिछले कुछ घंटों में आधे दर्जन से ज्यादा शव बरामद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री रहमान मलिक को 3 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है ताकि वह अपने इस आरोप को सिद्ध कर सके कि संघीय और प्रांतीय सदनों के कई सदस्यों के पास है दोहरी नागरिकता। इराक के तिक्रित शहर में एक जेल में हुई झड़प के चलते कैदियों के फरार होने के बाद लगा कर्फ्यू। फरार कैदियों में कई बताए जा रहे हैं अलकायदा के सदस्य। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में सैकड़ों आतंकवादियों ने राष्ट्रीय सेना के समक्ष अपने हथियारों सहित किया आत्मसमर्पण। सेना और एक निजी टेलीविजन चैनल के सहयोग से आयोजित एक कार्यक्रम में आतंकवादियों ने गोला बारूद और टैंकों सहित बड़ी संख्या में हथियार सौंपे। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के बिखरे पड़े विरोधियों को एक साथ लाने से असद और उनके विरोधियों के बीच सीधी बातचीत। इराक के विदेश मंत्री होशियार जेबारी ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन के लिए मध्यस्थता शुरू करने के लिए दिया प्रस्ताव। स्पेन और पुर्तगाल की राजधानियों में हजारों लोगों ने सरकार के खर्च में कटौती और करों में बढ़ोतरी के उपायों के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इस सप्ताह में तीसरी बार लोगों ने संसद के सामने दिया धरना। दिल्ली हाफ मैराथन के 8वें संस्करण में केन्या और इथियोपिया के धावकों ने जमाई धाक। पुरुष वर्ग में केन्या के एडविन किपयोगी ने हासिल की जीत, वहीं महिलाओं में इथियोपिया की ईमर वुड ने हासिल की कामयाबी। विश्व कप T20 सुपर 8 मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से। सुपर 8 में भारत हार चुका है अपना पहला मुकाबला। ICC T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सुपर 8 मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। वहीं दूसरे मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से दी मात। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड को घरेलू मैदान पर टॉटनहैम हॉटस्पर्स के हाथों 3-2 से खानी पड़ी मात। टोक्यो में खेले गए पैन पैसिफिक ओपन के फाइनल मुकाबले में रूस की नादिया पेत्रोवा ने पोलैंड की अग्नाइजिका रडबांस्का को हराकर अपने कैरियर का 12वां खिताब जीता। मध्य वर्ग को ध्यान में रखकर फिल्म बनाने में माहिर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी की जयंती आज।